हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल डिजाइन। गाइस, इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही शानदार प्लान लेकर आए हैं जिसका ओवरव्यू इन डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। तो देख सकते हैं, इसका प्लॉट का साइज आपका 20 फीट बाई 35 फीट और एक इसकी दूसरी साइड है 37 फीट चेंज, यानी थोड़ा सा 2 फीट एक साइड बड़ा हुआ है, जो कि मैप के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से दिखाया गया है प्लॉट का साइज इतना है। तो इसमें किस तरह से हमने डिजाइन किया है, किस तरह से कितना फैसिलिटी है, वो सारा डिटेल है इसमें हम बताने वाले हैं सिर्फ इसी प्लॉट में। तो गाइस, इसका टोटल एरिया जो साइज होता है 725 स्क्वायर फीट, तो इसमें हमने फुल फैसिलिटी आपके लिए रखी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका डिजाइन किया गया है। वीडियो में एंड तक बने रहना और भी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन अगर बात सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे वीडियो को वॉच कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ना किसी देरी तो हो ही चुकी है। तो सबसे पहले आपको ये 60 फीट का रोड मिलता है, उसके बाद ये मैन गेट है। मैन गेट से एंट्री करने पर आपको 8 फीट की मैन गेट है। एंट्री करने पर आपको एक स्टेयर के सुसी में कार पार्किंग मिलता है। तो इसमें जो है इसका साइज टोटल बता दूं यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका साइज है 9 फुट बाई 15 फुट 4 इंच। तो गाइस, यहाँ पे जो 3 फुट का स्टेयर केस है, तो इसमें यहाँ पे 12 फुट 4 इंच जगह बच जाती है गाइस। तो यहाँ पे आप जो गेट लगाएंगे डोर, वो आउटर साइड भी ओपन हो सकते हैं, इनर साइड भी ओपन हो सकते हैं, इस तरह से डोर लगा सकते हैं। और दूसरी बात है, जो यहाँ से आपके स्टेप्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप बन जाते हैं। प्रत्येक स्टेप की हाइट आपकी 8 इंच है, तो आपकी 7 8 56, ठीक है, और 12 5 60, समझ में आ रहा है। तो लगभग 5 फीट आपको इतने यहाँ तक हाइट पे पहुंच जाएंगे। तो गाइस, आपकी यहाँ पे कार पार्किंग आसानी से हो जाएगी। फिर यहाँ से आप अब जाते जाएंगे, यहाँ पे आप अपनी फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। ये गाइस ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे जो आपकी कार है, वो आपका साइज आपको बता दें, आप 8 से 10 फीट लंबी कार पार्क कर सकते हैं और 4 से 6 फीट चौड़ी कार पार्क कर सकते हैं, इसमें इतना एरिया है। और आसानी से इसमें पैसेज भी निकलने के लिए बना रहेगा। यहाँ पे आपको 3 फीट का एक डोर मिलता है। डोर से एंट्री करने पर आप अपने ड्राइंग रूम में आते हैं। इस ड्राइंग रूम में क्या है, बहुत बड़ा है गाइस, ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। तो इसमें इस तरह से सेटअप किया गया है, यहाँ पे आप अपना सेटअप कर सकते हैं और यहाँ पे बेड भी लगा सकते हैं। इसमें 2 विंडो दिया गया है, एक विंडो आपकी कार पार्किंग की तरफ है, इसमें आप आउटलुक देख सकते हैं, इसमें आप रोड की साइड का भी व्यू देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे विंडो लगने वाला है, वेंटिलेशन प्रॉपर होता रहेगा। नेक्स्ट है, आप आगे जाने पर यहाँ से ही ओपन रहेगा, यहाँ पे आप चाहो तो गेट लगा सकते हो गाइस। इस गेट से ये और है कि इस डोर से आपकी ये प्राइवेसी पूर्णता बनी रहेगी अंदर की, और आपके और भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है तो वहां पे इससे जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे जाने पर आपको गाइस एक पैसेज मिलता है, जिस पैसेज का साइज आपका 5 फीट 2 इंच है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है, उसी में लेफ्ट में आपको एक किचन मिलता है, जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको क्लोज बनाया गया है। तो इसमें आपका जो साइज है वो 7 फीट 6 इंच बाई 7 फीट 4 इंच है गाइस, जिसमें आपका जो ये वेंटिलेशन के लिए विंडो भी 3 फुट का दिया गया है। इस तरह से एल शेप में आपको एक किचन की जो स्लैब है वो एल शेप में है। और इसमें आगे जाने पर इसमें देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पे आपको बिल्कुल सेपरेट बाथरूम एंड लेटरिन दिया गया है, जो कि रिक्वायरमेंट थी। वाटर बाथरूम है गाइस, इसमें इसका साइज है 5 फुट 2 इंच बाई 4 फुट 4.5 इंच।
इसमें आगे जाने पर ये इसके साथ में ही एक लैटरिन है, ये भी कम्बाइंड है, वो सॉरी कम्बाइंड नहीं है, कॉमन है। तो ये कॉमन लैट बाथ अलग अलग सेपरेट दिए गए हैं। तो इसके वेंटिलेशन के लिए गाइस ये वेंटिलेटर दिया गया है 2 फीट का। इसके बाद में हम अपने बेडरूम में जाते हैं, तो बेडरूम का साइज काफी बड़ा है गाइस, देख सकते हैं इसका 13 फुट बाई 10 फुट 6 इंच का आएगा इस। तो इसमें इस तरह से ये बाथरूम लगा सकते हैं, ये बेडरूम इस बेड सेट कर सकते हैं। इसमें आपको एक अटैच लेट बाथ दिया गया है, इसमें कम्बाइंड लेट बाथ है, अटैच है, एक कम्बाइंड लेट बाथ, दोनों कम्बाइंड है यानी। तो इसी में इसका साइज है आपका गाइस 5 फिट 2 इंच बाई 6 फिट का। तो ये इस तरह से डिजाइन किया गया है, आई होप आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर कर देना गाइस। इसके वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे वेंटिलेटर ये दिया हुआ ओटीएस में, ओटीएस का साइज आपका 5 फुट 2 इंच बाई 3 फुट का है, तो यहाँ पे 3 फुट का आप विंडो भी लगा सकते हैं इस तरह से। ओटीएस, ओटीएस का मतलब होता है ओपन टू स्काई, इस ओटीएस को भी यूज में ले सकते हैं आप। तो आज का प्लान आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी करना, ठीक है गाइस। और भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, और भी ऐसे क्रिएटिव वीडियो लाने के लिए दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।